कोशिश है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल में रखा जाए जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पता नहीं चल रहा, अनसर्टेनिटी है। कोविड की वजह से सिचुएशन अगर खराब होती है और एनसीओसी हमें अलाउ नहीं करती, ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्ट्स जो ओपिनियन देते हैं हम उसी पे चलते हैं, तो अगर राइज खुदा ना खास्ता आता है तो उससे पहले हम जितनी क्लासेस बच्चों को जितनी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि पिछला 1.5 साल पूरा बच्चों का ज़ाया हुआ है। हमारी कोशिश है कि आने वाला साल कम से कम ज़ाया हो या ना ज़ाया हो, उस हिसाब से हम उसको कर रहे हैं जी। ठीक है जी। नहीं, इस तरह नहीं है। देखें, ये पूरा वीक जो है ये हमने रखा ही इसी के लिए। ये जब वीक खत्म होगा फिर हम आपके साथ स्टेटिस्टिक तब शेयर करेंगे जब पूरा स्कूल फुल स्विंग में खुल जाएगा। अभी तो पूरे कहीं पे स्कूल क्लासेस हैं, कहीं पे उनको इनरोलमेंट पे, कहीं पे उसको पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसको अभी वो फिगर हमारे पास अभी पूरी आई नहीं। जैसे आएगी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मकसद दे इसके करने का ये है, मैं फिर रिपीट करूँ। एक तो वो कैमरे की आंख ने उसको पकड़ा है, तो मैं तो वो कैमरे की आंख नहीं उसको पकड़ा है, किसी और ने नहीं पकड़ा, तो आपके सवाल का तो जवाब ये हुआ। सूबाई वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं और कोरोना की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हुई, अगर कोरोना केसेज में इजाफा हुआ तो तालीमी इदारे बंद करना होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही, मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।